ट्वीट आपने डाला है करीब एक घंटे पहले काफी कमेंट्स भी आ रहे हैं लाइक्स भी आ रहे हैं और एक खबर भी है इंटरेस्टिंग खबर है नायका बा, ट्वीट डाले उसके भी एक मतलब समझेंगे बट ये क्या होगा सर बोनस शेयर नायका जहां लिस्ट हुआ ठीक है मेरे ख्याल से इश्यू प्राइस से लगभग लगभग दूगुना लिस्ट हुआ था राइट बाईसौ पांच का हाई बनाया था लिस्टिंग के टाइम हाई हो सकता थोड़ा कम ज्यादा हो जिस दिन लिस्टिंग हुई थी 10 नवंबर को तो का है था। और तब, तब कहते थे का देखिए मतलब जबरदस्त नए जमाने के आईपीओ को रेस्पॉन्स ये पैसा ये सारी चीज थी तब से लेकर अब तक लगभग लगभग आधा हो गया आपने जहा है वहाँ से हाँ। उस यूफोरिया का पूरा खत्म हो गया दूसरी ओर हमारे आशुजी भी थे आ, उस लिस्ट में और बाकी लोग भी थे उस समय बड़े मजे लेते थे आई टी सी को देखो जो आई टी सी को खरीद कर बैठने वाले लोग सिगरेट पीते रहे कश लगाते रहे और कहा से कहा मेकअप वाली कंपनियां कहा से कहा गई, ये मार्केट है ही ऐसा मार्केट इज ग्रेट इक्विलाईजर सबको बराबर मुकादा किसी भी दिन आप सबसे ज्यादा समझदार साबित हो सकते हैं मैं सबसे ज्यादा समझदार साबित हो सकता हूँ, या कोई भी हमारा व्यूअर हो सकता है कि मैंने बोला था आज यहाँ बंदूकवा हो गया बहुत सही बात है दूसरे दिन क्या तीसरे दिन क्या कि हम रोज वो कर सकते हैं शायद नहीं इसलिए मार्केट से ये लेसन मिलते हैं कि सबका दिन आता सब है सबका समय आता है करेक्ट आप कहाँ किस वक्त सही जगह पर है वो इम्पोर्टेंट है बिल्कुल आ, क्या लिस्टिंग पे नायका देना था या लेना था कोई देखिए इकतालीस परसेंट आईटीसी बढ़ाए बयालीस परसेंट नायका उस दिन से लेकर आज तक के लिए एकदम परफेक्ट वहां आते ये दिखाने के पीछे मकसद ये नहीं की नायका क्यों गिरा है ये दिखाने के पीछे ये कि आपको ये देखना कि, कि किस प्राइस पर क्या चीज आपको खरीदनी है एग्जैक्टली exactly. मतलब जो चीजें बोरिंग होती है जो चीजें सबको नहीं पसंद आती जो चीजें है ना मतलब परेशान करती वहां पैसा ज्यादा बनता है जो फ्लैशी है ना लाइमलाइट में है जिसके बारे में सब बात कर रहे हैं वहां पैसा बनाना आसान नहीं आसान है, नहीं है मुश्किल है रहा सवाल आपके आपके नायिका के बोनस का नायिका कर क्या सकता है दो हाँ। चीजें एक बोनस को अगर आप पॉजिटिव साइड में देखना चाहें तो ये कि भाई चलो ठीक है शेयर होल्डर्स के पैसे उतने बने नहीं या बने तो वापस खत्म हो गए इश्यू प्राइस के आसपास आ गया चलो बोनस देकर रिवॉर्ड किया जाए उनके पास बोनस आ जाएगा लेकिन बोनस से मुझे फर्क क्या पड़ता है एग्जैक्टली कुछ नहीं ये कोई मेरी सैलरी वाला बोनस तो है नहीं कि जो मेरे अकाउंट में क्रेडिट हो जाएगा पैसे आएंगे शेयर एक का दो हो जाएगा फॉर एग्जाम्पल अगर वन इज टू वन बोनस आता तो शेयर मेरे हो गए right. लेकिन साथ ही भाव आधा हो जाएगा यस yes. सो अगर आप देना चाहते तो मुझे डिविडेंड दीजिए hmm. वो मेरे बैंक अकाउंट में आता है तो वो जमाना वो hmm. चला गया जब बोनस को देखकर बड़े लोग खुश होते थे hmm. कूदते थे क्योंकि पहले क्या था दीप आज से 20 साल 25 साल पहले 30 साल पहले जब हमने करियर की शुरुआत की उस समय एक बहुत क्लियर कट सिस्टम था जिस कंपनी का बोनस आया बोनस एक्स बोनस होने के बाद दो चार छह महीने में वही प्राइस जो पहले बोनस वाली थी तो उस समय ये कॉन्सेप्ट उस समय हाँ। ऐसा लगता था बोनस आया मतलब आपके फ्री के शेयर डबल हाँ। हो गए कमाई डबल हो जाएगी आने वाले समय है हाँ। ना हाँ। अब वो जमाना चला गया फाइनेंशियल लिटरेसी है हमारा एक आम इन्वेस्टर भी समझता है कि बोनस का मतलब मेरे नंबर ऑफ शेयर्स बढ़ रहे इससे ज्यादा कुछ नहीं सो अगर कंपनी वाकई में शेयर होल्डर्स को रिवॉर्ड करना चाहती है तो डिविडेंड दे आप कैश कमाइए कैश बांटिए शेयर होल्डर्स ज्यादा खुश होंगे ठीक है, बोनस देना कोई बुरी बात नहीं है अच्छा ही है आ, लेकिन दूसरी तरफ आप दे, देखेंगे तो बोनस देने का कोई लॉजिक नहीं है और जरूरत भी नहीं है नहीं। क्योंकि पिछले साल से कंपनी ने प्रॉफिट कम किया है राइट आप सोचिए आप ऐसा तो भी नहीं कि आप प्रॉफिट ज्यादा बना रहे हैं और उस वजह से बोनस देना चाहे आ, इस साल 41 करोड़ वित्त वर्ष 2022 में 41 करोड़ किया था 21 में बासठ करोड़ प्रॉफिट किया था तो लगभग लगभग लग वन थर्ड प्रॉफिट कम हुआ मुझे नहीं पता इस साल की क्या परफॉर्मेंस है अभी सो आई थिंक बोनस से मैं बहुत ज्यादा उत्साहित नहीं होता हाँ एक सेंटिमेंट के लिहाज से अच्छा स्टॉक बढ़ सकता है वो अलग बात है एनी तो पर्पज ये था जो आपने पूछा भी कि हमेशा जो फ्लैशी लाइमलाइट में रहने वाले स्टॉक्स जिसके बारे में सब लोग ज्यादा चर्चा कर रहे हैं बट इंसिडेंटली अब आईटीसी की चर्चा भी ज्यादा करने लगे थोड़ा डर लगता है थोड़ा, था। 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 <laughs> था। exactly. अभी कौन सा सवाल पूछा था जिसमें सबसे ज्यादा आईटीसी आया था कुछ तो सवाल पूछा था दो चार दिन पहले मूवी वाला ना वो हाँ मूवी वाला कि शेयर के नाम पे कौन सा वर्ल्ड सिनेमा वर्ल्ड सिनेमा डे आई टी सी बड़ा पॉपुलर इतना पॉपुलर मत करो इसको और आगे बढ़ना है अभी ठीक है तो चलिए आपके लिए आईटीसी और नायका दोनों पर रखेगा नजर एक्शन में रहेंगे इंसिडेंटली जरा एक वन ईयर चार्ट भी दिखा दें अनिल जी जो फोर्टी वन फोर्टी टू परसेंट का कंपेरिजन आपको दिखा रहे थे बहुत क्लियरली आपको दिखेगा वन ईयर चार्ट नायका 42 परसेंट डाउन है और आईटीसी उसी टाइम पीरियड में जैसा जी कह रहे थे करीब करीब 40 परसेंट ऊपर आपको जाते हुए दिखाया तो वो रिटर्न्स काफी क्लियर आपको यहां पर दिखे हैं दोनों काउंटर से